बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर आपका 7 है। हम लोग इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट आपके टाइप पर डिस्कस करने वाले हैं। टाइप का नाम है डे, ठीक है। आप लोगों के जितने भी प्रोफेशनल या जितनी भी एडवांस और प्रोफेशनल वेबसाइट है उसके अंदर आप लोग मोस्टली जो पेज की सेक्शन बनाने के लिए, पेज रिविजन करने के लिए जो टैग यूज करते हैं वो डिप का टैग यूज करते हैं। इसे ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई मसला हो तो मुझे जरूर साथ साथ बताते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। नाम है डिप, ठीक है। डिप टैग जो होता है आपका ऐसे शॉर्ट, ये आपके पास शॉर्ट में रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को, ठीक है। किसकी डिवीजन को बना क्या रहे हो आप? वेब पेज, वेबसाइट, ठीक है। वेब पेजेस को मिला के वेबसाइट बना रहे हो, या कह लो कि वेब डॉक्यूमेंट बना रहे हो, ठीक है, या कह लो कि एचटीएमएल का जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना हो, अपने पेज के अंदर सेक्शन बनाने हो, डिवीजन करनी हो, ठीक है। तो हम लोग किसको यूज करते हैं? डिप टैग को यूज करते हैं, ठीक है। साथ साथ कहता है इट इज अ पेयर्ड, ठीक है। आगे जितने भी मोस्टली पढ़ने वाले जिनके साथ पर्टिकुलरली हम सिंगुलर नहीं मेंशन करेंगे, इट मीन अंडरस्टूड बात होगी वो कौन से रह गया आपके पेयर्ड टैग है। तो ये आपका ये वाला टैग भी क्या है? पेयर्ड टैग है। इसका मतलब इसका एक ओपनिंग पार्ट भी और इसका एक क्लोजिंग पार्ट भी है, ठीक है। साथ साथ कहता है इट इज यूज्ड टू डिफाइन द लॉजिकल डिवीजन, यानी कि सेक्शन बनाने में। किसके अंदर? एचटीएमएल पेज के अंदर। जब आपने लॉजिकल, ठीक है, फिजिकल नहीं, लॉजिकल आपका पेज एक ही रहेगा, लेकिन आपने उस एक ही पेज के अंदर क्या करनी है, डिफरेंट डिवीजन बना के, डिफरेंट सेक्शन बना के दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो तब हम लोग क्या करते हैं? डिप टैग को यूज किया करते हैं। लेट्स सपोज आप लोगों ने ऊपर हेड वाला पार्ट लगा दिखाना चाहते हो, उसके नीचे कोई नेविगेशन बार दिखाना चाहते हो, उसके नीचे तीन कॉलम बना के अलग अलग से दिखा करना चाहते हो, रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो हमें वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा? डिप का टैग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे कहता है मोस्ट ऑफ द ब्राउजर, ठीक है, ब्राउजर यूजुअली प्लेस अ लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर द डिप एलिमेंट। ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब आपने डिप का टैग यूज किया होता है तो लेट्स सपोज आपने ऊपर एक हेडिंग दी है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, नीचे आके डिप का टैग शुरू करते हो, डिप का टैग बंद करते हो, उसके नीचे फिर पैराग्राफ वगैरह लिखे हैं। अब होगा क्या, हेडिंग हेडिंग के तौर पे डिस्प्ले हो जाएगी, पैराग्राफ पैराग्राफ के तौर पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। जो डिप वाला पार्ट है उसके लिए क्या करेगा, डिप के पार्ट में जो कुछ भी लिखा है, पैराग्राफ बनाया है, आपने टेबल बनाए हैं या आपने लिस्ट बनाई है, जो कुछ भी है वो उसे डिवाइड करके उसके अंदर क्या करेगा, आपको बिफोर और आफ्टर लाइन बना के भी क्या कर देगा, रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि आपके पास लाइन आ जाएंगी वहां पर, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कहता है यू कैन ऑल्सो अप्लाई अलाइनमेंट एंड अदर फॉर्मेटिंग, ठीक है, टू इंडिविजुअल। लेट्स सपोज आप लोगों ने क्या किया हुआ है, अपने पेज के अंदर दो बार टिक का डिप का टैग यूज किया है, यानी कि अपने पेज की दो और सेक्शन बना दिए, ठीक है। आप दोनों डिप के पार्ट में दोनों सेक्शन के अंदर इंडिविजुअली अलाइनमेंट और फॉर्मेटिंग के टैग वगैरह भी, और सॉरी टैग कह रहा हूं, एट्रीब्यूट वगैरह भी क्या कर सकते हो, साथ ही अप्लाई कर सकते हो। आप चाहते हो इसमें और तरह से आपके पास अलाइनमेंट आए, फॉर्मेटिंग आए, ठीक है, इसमें और तरह से अलाइनमेंट और फॉर्मेटिंग आए, तो आप लोग हर एक डिप के अंदर अलग से एट्रीब्यूट अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम मूव करें, तो इसके अंदर एट्रीब्यूट यूज होते हैं काफी ज्यादा, जो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ने यूज करने हैं, ठीक है, उनके मैं यहाँ पे जिक्र करता जा रहा हूँ। बाकी आप लोग अपनी जरूरत के मुताबिक नेट पर सर्च कर सकते हैं, बुक से कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो यूज करना पड़ सकता है, जैसे एक अलाइनमेंट का टैग एट्रीब्यूट आपके पास और एक स्टाइल का है, ठीक है। अलाइनमेंट से पहले भी आपके पास, पहले भी पिछले टैग के अंदर हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि डिप के अंदर हम लोग किसी तरह की अलाइनमेंट करना चाहते हैं, यानी कि हम लोग चाहते हैं हमारे डिप के अंदर जो कुछ भी लिखें वो सेंट्रली अलाइन आए, लेफ्ट साइड पे अलाइन आए, आपके राइट साइड पे अलाइन आए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपके पास अलाइनमेंट के एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, कहां पर, आपके पास डिप के टैग में। और कहां पे एट्रीब्यूट अप्लाई किए जाते हैं, याद है ना आपको, अप्लाई हमेशा आपके ओपनिंग वाले पार्ट के अंदर एट्रीब्यूट को लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आपको एक छोटी सी एग्जांपल ले ली कि डिप का ये ओपनिंग वाला पार्ट था, ठीक है, डिप के टैग को शुरू किया, अलाइनमेंट के एट्रीब्यूट को लिखा और साथ में इक्वल में डबल कोटेशन के अंदर उसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। वैल्यू को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है, एट्रीब्यूट को मैंने यहां पे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दिया और टैग को रेड कलर से। डिप के टैग के अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया, आप तो समझो कुछ भी आप लिखना चाह रहे हो, जो भी आपके ब्रेन में पैराग्राफ, ठीक है, डिप के अंदर। तो इसके अंदर ही हमने स्टार्ट किया, जब पैराग्राफ खत्म होगा उसके बाद हमने अपने डिप को बंद कर दिया। तो अब जो भी पैराग्राफ होगा वो क्या आपके पास क्या होगा, आपके पेज पे जो ये वाला पैराग्राफ यहाँ पर जो लिखा है वो कैसे नजर आएगा, कि उस पैराग्राफ से पहले और बाद में क्या लगेगी, आपके अलाइनमेंट, ठीक है, सॉरी अलाइनमेंट कह रहा हूँ, लाइन आपको क्या होगी, डिस्प्ले हो जाएगी, सेक्शन बना देगा, ठीक है। ज्यादातर ब्राउजर दिखा देते हैं, कुछ ब्राउजर नहीं भी दिखाते, ठीक है, ये आपके वर्जन का, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर के हिसाब से थोड़ा सा ना
इशू आ सकता है कि हो सकता है कि आपके ब्राउजर में ना शो हो सकता है, मोस्टली ब्राउजर में आपके पास क्या करते हैं सिक्स सपोर्ट करता है, ठीक है, कि आपके पास लाइंस दिखा देता है, कहां पे दिखाता है ये जैसे एडिटर किया था कि ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर द डिप एलिमेंट, ठीक है, एक लाइन ब्रेक जो होती है दिखा देता है, ठीक है, एक लाइन बना के दिखा देता है। इसके अलावा एक और हमारे पास एट्रीब्यूट है, नाम है स्टाइल, ठीक है, स्टाइल जो है ना ये वाला जो आपके एट्रीब्यूट है मोस्ट ऑफ द आपके टैग के अंदर यूज कर सकते हो, आप लोग हेडिंग भी यूज कर सकते हो, पैराग्राफ वगैरह में भी यूज कर सकते हो। बेसिकली ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है ना ये CSS कैस्काइडिंग स्टाइलिंग शीट, ठीक है, इसके ऊपर आगे जाके हम थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे HTML को थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं फिर आगे CSS जब हम स्टार्ट करेंगे। तो CSS को अप्लाई करना हो HTML के अंदर तो आप लोगों ने क्या करना होता है, स्टाइल के एट्रीब्यूट को यूज करना, याद रहे ये बात की चीजें हैं लेकिन आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए पहले बता रहा हूँ। CSS जो होता है कैस्काइडिंग स्टाइलिंग शीट जो होती है आपके पास HTML में अप्लाई करने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है इनलाइन, कि जिस लाइन में अप्लाई करना चाहते हो, जिससे आप लोग टैग में यूज करना चाहते हो उस टैग के अंदर उसके ओपनिंग वाले पार्ट में स्टाइलिंग को स्टाइल के यूज कर लेते हो। एक तरीका कार होता है कि आप लोग क्या करते हैं उसके हेड वाले पार्ट में सारी की सारी CSS डिफाइन कराते हो, वो ऑटोमेटिकली क्या होती रहती है नीचे हम लोग साथ साथ यूटिलाइज कराते रहते हैं, वो तरीका भी देखेंगे। तीसरा तरीका भी क्या करते हो कि अपनी CSS आप लोग अलग फाइल में बना के सेव करते हो और उस फाइल के उसके साथ क्या कर सकते हो अपनी HTML की फाइल के साथ अटैच करते हो। तीन तरीके, पहला लाइन बाय लाइन हर टैग के साथ साथ आप लोग उसकी CSS अलग अलग लिखते जा रहे हो। दूसरा कि आप उसके हेड वाले पार्ट में सारा का सारा CSS को पहले से डिफाइन कर देते, ठीक है, जहां जिस जगह आपने अप्लाई किया उस तरह उस बॉडी में उस टैग के साथ वो नजर आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या है कि ना तो आप हर टैग के साथ अलग अलग लगा रहे हो ना आप हेड में वाले पार्ट में लिखना चाह रहे हो, आप लोग क्या करते हैं अलग से ही एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है, स्टाइल की। तो स्टाइल में हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल के अंदर डिफरेंट किस्म की फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। ये आपके थोड़े एट्रीब्यूट के कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज कर देता है, ठीक है, वो चेंज कैसे करता है, लेट्स सपोज कि मैंने डिफर टैग ओपनिंग वाला लिखा, अब हमारे पास एक एट्रीब्यूट है नाम है बैकग्राउंड, उसकी वैल्यू, ठीक है, बैकग्राउंड कलर उसकी वैल्यू डिफरेंट कलर वगैरह। जब आप लोग स्टाइल के स्टाइल को एज एट्रीब्यूट यूज करते हो तो आपका जो फर्दर जो इसके एक्चुअल एट्रीब्यूट वगैरह होते हैं वो उसके अंदर आके क्या होते हैं सिंपली लिखे जाते हैं स्टाइल की डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है, ये स्टाइल का डबल कोटेशन वाला ओपनिंग पार्ट है, डबल कोटेशन वाला क्लोजिंग पार्ट, ठीक है, यानी कि सारा का सारा स्टाइल का हिस्सा है, ठीक है। इस स्टाइल में मैंने क्या किया, दो एट्रीब्यूट यूज किए, एक बैकग्राउंड कलर को और एक आपके पास टेक्स्ट अलाइन को, ठीक है। तो स्टाइल के अंदर क्या करते हैं, स्टाइल के अंदर आकर आप लोग क्या करते हो, आपके दो भी एट्रीब्यूट वगैरह होते हैं लिखते हो और इक्वल और डबल कोटेशन डालने की बजाय वहां पे क्या करते हैं कॉलन डाल देते हैं और अपनी वैल्यू का एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है। देख रहे हैं फर्क कि वहां पे हमने अगर एट्रीब्यूट लिखा हो, ठीक है, इक्वल के निशान और डबल कोटेशन में उसकी वैल्यू लिखते थे। स्टाइल के अंदर जब आप लोग अपने एट्रीब्यूट को जाके लिखते हो तो ना तो इक्वल का निशान आता है, इक्वल के निशान की जगह क्या आता है कॉलन, और डबल कोटेशन को हम लोग क्या कर देते हैं वैसे ही राइट कर देते हैं। और अगर आपने एक से ज्यादा एट्रीब्यूट लिखने उस स्टाइल के अंदर तो सेमी कॉलन से क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, सेमी कॉलन उसके आगे लिख देंगे, जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा। दूसरा एट्रीब्यूट मैंने कौन सा यूज किया, टेक्स्ट अलाइन का, इक्वल के निशान की जगह क्या किया यहां पे भी कॉलन और डबल कोटेशन के बगैर ही क्या कर दी वैल्यू लिख दी। और अगर आपने कोई और एट्रीब्यूट भी लिखना हो स्टाइल के अंदर वो भी लिख दो, कॉलम के बाद उसकी वैल्यू लिख दो, सेमी कॉलम से सेपरेट कर दो, ठीक है। इस तरह आपको सोच जितने भी एट्रीब्यूट अप्लाई करने, जब सारे एट्रीब्यूट अप्लाई कर दिए, ठीक है, फिर आप लोग क्या करो स्टाइल वाले डबल कोटेशन को खत्म कर दो, ठीक है, और आप लोग जिसके नीचे जो भी लिखोगे, लेट्स सपोज मैंने डिप के नीचे पैराग्राफ लिखा है, तो ये पैराग्राफ में ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस पैराग्राफ जहां से शुरू होगा जहां पे खत्म होगा वहां तक उसका सारा का सारा ऑरेंज बैकग्राउंड हो जाएगा और वो क्या होगा सेंट्रली आपको क्या होगा अलाइन नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, आपने डिप को खत्म किया, एक और डिप लगा दिया, ठीक है, एक ही पेज में दो डिप यूज कर लिए, लेकिन इस बार इस डिप में क्या किया, डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज की हैं, ठीक है, क्या किया यहाँ पे मैंने बॉर्डर के यूज किया, बॉर्डर वाले एट्रीब्यूट को स्टाइल के अंदर जाके आप लोग क्या करते हो फिर अपने एट्रीब्यूट को लिखते हो, इक्वल के निशान की जगह क्या आ जाता है कॉलन और डबल कोटेशन के बगैर मैंने वैल्यू लिखी, बॉर्डर की तीन वैल्यूज लिखते हैं नॉर्मली, ठीक है, कि आपका बॉर्डर कितना बारीक या मोटा हो, ठीक है, तो यहाँ पे उसे हम पिक्सल में डिफाइन करते हैं, 1 पिक्सल होगा बारीक, 2 पिक्सल रखेंगे मोटा हो जाएगा, 3 पिक्सल ज्यादा और, ठीक है। तो आप लोगों ने उसके बाद उसका स्टाइल कि सॉलिड होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नजर आए, ठीक है, डॉटेड लाइन नजर आए किस तरह का, तो ये स्टाइल लिखते हैं और साथ में एंड पे स्पेस के बाद क्या लिखते हैं उसके कलर को,
ठीक है। तो ये क्या करेगा आपके डिप का टैग जो है नीचे पैराग्राफ जो लिखा हुआ है ये पैराग्राफ डिस्प्ले कराएगा और इसके इर्द गिर्द क्या करेगा बॉर्डर बना देगा 1 पिक्सल का, ठीक है, और वो स्ट्रेट होगा सॉलिड होगा, ठीक है, और इसका कलर क्या होगा ब्लैक कलर का आपको नजर आएगा। ये इंशाल्लाह आप लोग आप उसमें भी प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा इसके साथ अटैच भी कर दूं, ठीक है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करवा के। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं डिप के टैग को यूज करते हैं। ये क्या करेगा मेरे पेज को दो सेक्शन में दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक ये वाला पार्ट और एक ये दो पार्ट। इस पार्ट में मैंने पैराग्राफ लिखा है, इस पार्ट में पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, बस आपको क्या किया डिफरेंट प्रॉपर्टीज लगा के दिखाएंगे। तो दोनों डिप के हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइए आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। तो आपके पास क्या है दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टैग है, नाम है लिस्ट, ठीक है। हम लोग एचटीएमएल के अंदर लिस्ट वगैरह को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, याद रहे लिस्ट नॉर्मली तब ये कंसेप्ट को तब यूज करते हैं जब आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट को, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के इंपॉर्टेंट चीजों को अपने कंटेंट के अंदर क्या करना हो प्रोमिनेंट करना हो तो आप लिस्ट का कंसेप्ट यूज करते हो, ठीक है। जैसे घर में से बाहर निकलते हो कुछ सामान वगैरह लेने जाना होता तो आप उसकी क्या करते हो लिस्ट बनाते हो, बजाय इसके पैराग्राफ की फॉर्म के लिखने के आप लोग क्या करते हो लिस्ट बनाना ज्यादा मुनासिब करते हो, रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट चीजें इजीली क्या कर सकते हो रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब लिस्ट बनाने के डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहता है एचटीएमएल आल्सो सपोर्ट द लिस्ट, ठीक है, व्हिच इंक्रीज द लिस्ट बनाने से होता क्या आपकी रीडेबिलिटी, ठीक है, पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है एंड कैन रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट इन आवर या इन योर एचटीएमएल पेज, ठीक है। तो होता ये है लिस्ट बना देने से आपके पास क्या होता है आपके कंटेंट जो होता है आपका जो डाटा होता है आपने जो पैराग्राफ हेडिंग वगैरह ली उसकी होती है टेबल वगैरह जो बनाए होते हैं उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और आप लोग बआसानी अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को इंपॉर्टेंट कंटेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे में हमारे पास तीन किस्म की लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक एक करके हम उसके बारे में पढ़ेंगे उनकी एग्जांपल को भी देखेंगे, स्टार्ट करते हैं आपके पास, ठीक है। कहता है यू कैन क्रिएट 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट फॉर डिफरेंट पर्पस, ठीक है, लिस्टों के डिफरेंट पर्पस होते हैं। देखें कुछ लिस्ट ऐसी होती है जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, कुछ लिस्ट ऐसी होती है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी कि अगर आप लोग अपने कंप्यूटर के किसी कंसेप्ट की बात करें SDLC लाइफ साइकिल की बात कर लें तो वो ऑर्डर्ड लिस्ट में हमेशा लिखे जाते हैं। अब OSI की नेटवर्किंग लेयर्स की बात कर लो तो आपने वो 7 लेयर्स जो होती है ऑर्डर्ड पार्ट में लिखी होती है कि पहले ये लिस्ट है फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो हर चीज जहाँ पे इंपॉर्टेंट हो ना ऑर्डर की इंपॉर्टेंट हो वहाँ पे आप ऑर्डर लिस्ट यूज करते हो और जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती वहाँ पे आप लोग क्या करते हो अनऑर्डर, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट बनाने के सबसे पहले देखते हैं, कहता है ऑर्डर लिस्ट जो होती है इट इज आल्सो नोन एज नंबर लिस्ट, ये नंबर लिस्ट के तौर पे भी जानी जाती है, ठीक है, आप लोग इसे इस नाम से भी रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, नंबर लिस्ट के तौर पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लिस्ट के नाम से भी आप लोग क्या जानते हो कि लिस्ट को नंबरिंग दी हुई है, ठीक है। इन दिस कहता है इन दिस लिस्ट एवरी पॉइंट स्टार्ट विद अ यूनिक नंबर और अल्फाबेट। आप इस लिस्ट में खासियत क्या होती है इस लिस्ट में आपके जितने भी पॉइंट होते हैं वो किसी ना किसी नंबर या किसी ना किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 या ABCDEF या आप रोमन गिनती में लिखो तो II, II, III, ठीक है, IVVVI, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं हर एक पॉइंट को एक यूनिक नंबर या यूनिक अल्फाबेट के साथ क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और क्या साथ ही कहता है इट इज यूज्ड व्हेन ऑर्डर इज मैटर, ठीक है, ऑर्डर इसको यूज कहां पे करना है जहां पे नंबरिंग जहां पे ऑर्डर आपके पास क्या करता है मैटर करता है कि भाई पहले ही वाला काम होगा उसके बाद ही वाला काम करना है, इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी 1 है ये नंबर 1 पे रखो ये नंबर 2 पे रखो ये नंबर 3 पे रखो, तो जहां पे ऑर्डर मैटर करता है वहां पे ऑर्डर लिस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। और ऑर्डर लिस्ट बनाने का एचटीएमएल में तरीकेकार क्या है, कहता है ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट एंड एंड विद द ओएल टैग, ओपनिंग पार्ट को ओएल से और क्लोजिंग पार्ट को फॉरवर्ड स्लैश ओएल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहां पे ऑर्डर के लिए एंड यहां पे लिस्ट के लिए स्टैंड करता है, तो आसानी से याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के लिए ओएल लिखा करते हैं, ठीक है। ओएल लिखने से और इसके स्टार्ट कर देने से आपके पास नंबरिंग लिस्ट बन नहीं जाएगी, आपको लिस्ट अलग से बनानी पड़ती है, ठीक है। ओएल सिर्फ ये बताता है कि जो अंदर लिस्ट है इसको क्या करो नंबरिंग दो, ये लिस्ट नहीं बनाता, लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको LI का टैग यूज करना पड़ता है, ठीक है। एंड टू क्रिएट लिस्ट इनसाइड द ऑल ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको लिस्ट क्रिएट करने के लिए LI का लिस्ट से, ठीक है, लिस्ट से ये पहले दो वर्ड ली गए अल्फाबेट ली गई है LI,
तो लिस्ट के एलिमेंट के साथ क्या करते हो, इससे रिप्रेजेंट करते हो, एलआई के टैग के साथ क्या करते हो, लिस्ट के रिप्रेजेंट करते हो। अब ये बनता कैसे से भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं क्या करना चाहता हूं, आईडी की बुक का नाम रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, ठीक है। तो हमने एक एचटीएमएल का कोड लिखा, दो पार्ट में, एक हेड वाला पार्ट है, ठीक है। हेड वाले पार्ट के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई सा एक टाइटल लिख लेते हैं, ठीक है। सपोज कि मैंने यहां पे टाइटल का टैग स्टार्ट किया और टाइटल कुछ भी रख दिया, पेज का नाम कुछ भी रख देते हैं, पेज का टाइटल रख देते हैं टेस्ट, ठीक है। और अपने टाइटल की टैग को क्या कर लेते हैं, साथ ही बंद। टाइटल का टैग खत्म किया, हेड वाला पार्ट भी क्या कर दिया खत्म। अब जहां पे हेड खत्म करते हैं वहीं से हमने क्या की, बॉडी स्टार्ट की, ये आपकी बॉडी वाला पार्ट, ठीक है। बॉडी के अंदर मैंने क्या किया, एक हेड वाला टैग यूज कर दिए एच वन, ये क्या करेगा मेरे पास हेडिंग बना के आईटी बुक को एज अ हेडिंग के तौर पे क्या कर देगा, मेरे पास रिप्रेजेंट कर देगा। और मैं नीचे इसके अंदर पैराग्राफ की बजाय लिस्ट की फॉर्म में इसकी बुक्स लिखना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा, ओएल का टैग यूज करना होगा जो कि मेरे पास ऑर्डरिंग कर दे, ठीक है। तो ओएल स्टार्ट किया, ओएल बंद किया, ठीक है। इसके अंदर लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एलआई का टैग लिखना पड़ेगा। एलआई का ओपनिंग पार्ट और एलआई के क्लोजिंग पार्ट के अंदर आप लोग क्या करो, अपने उस सेंटेंस को, स्टेटमेंट को, फेज को या अपने वर्ड्स को लिख दो। तो ये क्या होगा, आपके पास लिस्ट के तौर पे रिप्रेजेंट होगा, कौन सी लिस्ट, ऑर्डर वाली। तो ये आपके पास क्या होगा, सेकंड एलिमेंट के तौर पे, लिस्ट का सेकंड एलिमेंट, लिस्ट का थर्ड एलिमेंट, लिस्ट का फोर्थ एलिमेंट, ये आपके पास लिस्ट के चार एलिमेंट आएंगे और ये चारों क्या होंगे, ऑर्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। यानी कि आपके पास क्या लिखा जाएगा, 1.cpp, 2.java, 3.web, 4.ai, artificial intelligence, ठीक है। इस बात की समझ आ रही है, अगर आप लोग इस li नहीं लिखोगे तो लिस्ट के तौर पे रिप्रेजेंट नहीं होगा, ओएल सिर्फ यहां पे उस ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। अगर आप लोग ऑर्डर में नहीं लिखना चाहते, अब अनऑर्डर में लिखना चाहते हो, जो आके आपके पास क्या है, लिस्ट सेकंड लिस्ट के ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या तरीके का आ रहा है, सेकंड मेथड है लिस्ट बनाने का, वो क्या होता है, अनऑर्डर होता है। अनऑर्डर के लिए भी आपको याद रखना है, कुछ भी नहीं पढ़ाता सर, बस यही है कि ओ की जगह पे यू को यूज कर दो। अब आपके पास ये क्या हो गया, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, नंबरिंग, यूनिक नेम, यूनिक चीजें, यूनिक सिंबल यूज नहीं होता, आप लोगों के पास एक जनरल सिंबल यूज होता है। लेट्स सपोज सबके स्टार्ट में बाय डिफॉल्ट डॉट बना गए, ये क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें नंबरिंग वगैरह, अल्फाबेट वगैरह, i2 i3 वगैरह, रोमन गिनती वगैरह रिप्रेजेंट नहीं होते। ये सिंपली क्या होता है, एक ही सिंबल हर एक के साथ आ रहा होता है, आप इस सिंबल को, स्पेस को चेंज भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन वगैरह मौजूद होती है, ठीक है। उम्मीद है इस चीज की आपको समझ आई होगी, लिस्ट किस तरह से बनानी है और डिप का टैग किस तरह से यूज करना है, इसके लाजमी तौर पर प्रैक्टिस की जाएगा, ठीक है। हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में या इसके अगले पार्ट में क्या करते हैं, अनऑर्डर को भी एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, ठीक है, और साथ में अपने तीसरे वाले मेथड को भी यूज कर, ठीक है। आप लोगों ने आप डिप का टैग पढ़ा, डिप के टैग के यूज कैसे करना है, डिप के टैग के एट्रीब्यूट पढ़े, दो ज्यादा कॉन्टेंट उनको डिस्कस किया, इसके अलावा और भी एट्रीब्यूट है, आप अपने तौर पर भी सर्च कर सकते हैं, आप उससे कंसल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर हमने लिस्ट बनाने का तरीका पढ़ा, लिस्ट बनाने के तीन तरीके हैं, उनमें से एक को मैं आज डिस्कस किया, जिसका नाम क्या था, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए याद रहे हमारे पास कौन सा टैग है, ओएल का, ठीक है। ओएल का टैग की वजह से हम लोग जो लिस्ट बनाएंगे वो क्या होगी, ऑर्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। लिस्ट बनाने के लिए एक्चुअल में कौन सा टैग यूज करना होता है, एलआई का, ठीक है। इसके ओपनिंग और क्लोजिंग में जो फ्रेज, जो सेंटेंस, जो वर्ड लिखोगे वो आपके पास एज अ आपके तो आपके पास एज अ लिस्ट के तौर पर रिप्रेजेंट होगा। अगर वो ओएल के दरमियान में लिखा हुआ है तो ऑर्डर लिस्ट के तौर पर रिप्रेजेंट होगा, अगर यूएल के दरमियान में लिखा हुआ है तो ये अनऑर्डर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। मेरे यहाँ तक समझ आ गई होगी,